हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल और आप हैं हुसैन सर के साथ। गाइज, ये हमारी फोटोशॉप की बिगनर सीरीज चल रही है और आज हम पढ़ने वाले हैं ऑटोमेट के अंदर दो ऑप्शन। पहला है बैच और दूसरा है क्रिएट ड्रॉपलेट। गाइज, ये बैच और क्रिएट ड्रॉपलेट आपको तब तक समझ नहीं आ सकते जब तक कि आप एक्शन को अच्छी तरह से नहीं सीख लेते। अगर आपने फोटोशॉप के अंदर एक्शन को नहीं सीखा है तो आज मैं इससे पहले वीडियो बना के आ चुका हूं लर्न एक्शन की, उसको आप जाकर पढ़ सकते हैं और एक्शन को अच्छी तरह से सीख सकते हैं। उसी से रिलेटेड आगे हम कंटिन्यू ये वाली वीडियो करने वाले हैं, तो आइए शुरू करते हैं और देखते हैं बैच और क्रिएट ड्रॉपलेट। वेलकम बैक। तो गाइस देखिए, मैंने फोटोशॉप खोल के रखा हुआ है और पिछले ट्यूटोरियल में जो मैंने एक्शन बनाया था, देखिए वो कलर करेक्शन नाम का एक्शन, वो देखिए यहां पर ये पूरा वैसा का वैसा बना हुआ है। इसको आप पिछले ट्यूटोरियल में पूरी अच्छी तरह से स्टडी कर सकते हैं। देखिए, और इसी फोटो पर मैंने ये एक्शन बनाया था। अब देखिए, मैं इस एक्शन को प्ले करके दिखाता हूं कि इस एक्शन को अगर हम प्ले करते हैं तो देखो किस तरह के इफेक्ट इसके ऊपर आएंगे। मैं प्ले करता हूं, जैसे ही मैं प्ले करूंगा देखो इसमें क्या हुआ, कलर करेक्शन हुआ थोड़ा सा और बॉर्डर आ गया। देखिए तो देखिए अभी हम क्या करते हैं, हम कोई भी फोटो खोलें, यहां पर कोई भी हम एक फोटो खोलते हैं, ओपन करते हैं कोई भी फोटो। देखिए मैंने ये फोटो ओपन किया और इस फोटो के ऊपर मैं ये एक्शन को यहां से प्ले करता हूं। जैसे ही मैं एक्शन प्ले करूंगा तो देखो कलर करेक्शन हो गया और बॉर्डर आ गया इसके ऊपर। ये काम हम सिंगल सिंगल फोटो पर खोलकर कर सकते हैं, लेकिन अगर मेरे पास किसी फोल्डर में 5-10 या उससे ज्यादा फोटो हो, बहुत ज्यादा फोटो हो, तो उस पर एक साथ ये एक्शन कैसे अप्लाई किया जाएगा ये आज हम समझेंगे, वो होगा बैच फाइल से। तो चलिए हम क्या करते हैं, पहले एक फोल्डर बना लेते हैं और उसमें कुछ फोटोज डाल लेते हैं। तो चलिए मैं इसको यहां से मिनिमाइज कर रहा हूं और मैं एक फोल्डर बनाता हूं। यहां पर मैंने फोल्डर बनाया सोर्स इमेजेस। तो देखिए मैंने सोर्स इमेजेस नाम का फोल्डर बना दिया। अब मैं इसके अंदर कुछ फोटोज डाल देता हूं, तो दिस पीसी में चलते हैं और यहां पर मेरे पास कुछ यहां पर वॉलपेपर में हिल स्टेशन के अंदर कुछ यहां पर फोटोज पड़े हैं। मैं ये 4-5 फोटोज यहां से ले लेता हूं, कॉपी करता हूं कंट्रोल सी और इसको यहां से क्लोज करके इसके अंदर पेस्ट कर देता हूं। देखिए यहां पर मैं पेस्ट कर रहा हूं कंट्रोल बी। ये मेरे पास 5 फोटो यहां पर आ चुके। अब मैं इन 5 फोटो के ऊपर वो जो एक्शन बनाया था वो एक साथ अप्लाई करना चाहता हूं, तो वो बैच फाइल से होगा। अभी देखिए सबसे पहले तो हम एक फोल्डर और बना लेते हैं। ये तो हो गया सोर्स इमेजेस का फोल्डर, ठीक है। अब हम बनाते हैं डेस्टिनेशन, मतलब जहां पर हमें सेव करना है। ये तो हो गया यहां से फोटो उठाएगा और जहां पर हमें सेव करना है उसका एक फोल्डर और बना लेते हैं। तो मैं उसके लिए एक फोल्डर और बना लेता हूं यहां पर और उसका नाम देता हूं फाइनल इमेजेस। फाइनल इमेजेस नाम से मैंने ये फोल्डर बना दिया। अब देखिए ये फाइनल इमेजेस में यहां पर वो हमारे जो आउटपुट होगा फोटोज का वो यहां पर आ जाएंगे। अब हम चलते हैं फोटोशॉप में और फोटोशॉप में जाने के बाद चलो मैं इसको क्लोज कर रहा हूं यहां से और फिर से मैं इस फोटो को खोल लेता हूं। और इस बार मुझे क्या करना होगा, देखो यहां पर इसके लास्ट में एक्शन में एक स्टेप और जोड़ना होगा। वो कौन सा स्टेप है वो भी बताता हूं। पहले मैं इसको प्ले करता हूं। देखो यहां पर मैंने इसको प्ले किया और प्ले करने के बाद देखो इसके ऊपर ये अप्लाई हो गया। अब देखिए यहां पर लास्ट वाले स्टेप को क्लिक करके हम क्या करते हैं, यहां से रिकॉर्ड स्टार्ट करते हैं। हमने रिकॉर्ड स्टार्ट कर दिया और यहां पर जाकर यानी लेयर पैनल में जाकर राइट क्लिक करते हैं और यहां पर फ्लैटन इमेज कर देते हैं। फ्लैटन इमेज जैसी करेंगे तो ये एक इमेज बन जाएगी, यानी एक लेयर बन गई, ठीक है। तो ये भी यहां पर रिकॉर्ड हो गया। अब हम इसको स्टॉप कर दे रहे हैं, तो ये हमें रिकॉर्ड करना है। यहां पर बस इतना ध्यान रखना है, इसको हम फ्लैटन इमेज को रिकॉर्ड करना है जिससे कि हम जेपीईजी में ही फाइल को सेव करेंगे। अगर लेयर्स होंगी यहां पर तो वो जेपीईजी में सेव नहीं कर पाएगा, वो पीएसडी बनाएगा यानी फोटोशॉप की फाइल बनाएगा। और अगर हमारे पास इस तरह से फ्लैटन इमेज बनी हो तो फिर ये जेपीईजी में सेव कर देगा। तो बात समझे। तो अब क्या करते हैं, अब हम चलते हैं फाइल में ऑटोमेट और यहां पर जाने के बाद हम करते हैं बैच। तो देखो यहां पर सबसे पहले देखो सेट कौन सा सेट है, माय एक्शन या डिफॉल्ट एक्शन। तो मैंने माय एक्शन वाला जो मैंने बनाया था, देखो यहां पर ये माय एक्शन वाला जो सेट बनाया वो यहां पर ले लिया। अब एक्शन कौन सा है वो देखो कलर करेक्शन है यहां पर, तो यहां पर भी देखो कलर करेक्शन है, कलर करेक्शन ले लिया। यानी एक सेट के अंदर बहुत सारे एक्शन भी हो सकते हैं, तो हमारे पास अभी एक ही एक्शन है तो इसलिए ये एक्शन मैंने यहां पर लिया हुआ है, वरना तो यहां बताना पड़ता कौन सा एक्शन लेना है, ठीक है। तो कलर करेक्शन एक्शन ले लिया। अब मुझे जो अपने फोटोज है वो कहां से उठाने हैं उसके लिए सोर्स फोल्डर बताना होगा। तो देखो सोर्स ये है, सोर्स फोल्डर, और यहां पे चूज करना होगा कहां से उठाने हैं। देखो यहां पर डेस्कटॉप से और यहां पर सोर्स इमेजेस से मुझे ये फोटोज उठाने हैं, ठीक है। सेलेक्ट फोल्डर और इसके बाद देखो यहां पर फोल्डर और चूज, यानी ये हो गया डेस्टिनेशन, ये हो गया सोर्स और ये हो गया डेस्टिनेशन। डेस्टिनेशन मतलब कहां सेव करने हैं। तो फोल्डर कौन से फोल्डर में, तो मैं चूज करता हूं, तो मुझे डेस्कटॉप में हमें फाइनल इमेजेस में इसको सेव करना है, तो फाइनल इमेजेस हमने ले लिया। और फाइनल इमेजेस लेने के बाद अब देखिए हमने सेलेक्ट फोल्डर कर दिया, ठीक है।
फाइनल इमेजेस सिलेक्ट फोल्डर, और अब की बार सिर्फ इसको हम ओके करते हैं। ओके करते ही देखो ये एक्शन प्ले होगा, और देखो ये पूछेगा कि आपको ये फाइल सेव करनी है, तो जेपीजी का ऑप्शन आएगा कि आपको क्वालिटी क्या रखनी है, आपको किस तरह से फॉर्मेट ऑप्शन में किस तरह से सेट करना है। तो मुझे बेसलाइन स्टैंडर्ड और क्वालिटी 12 रखना है, इसको ओके कर दिया। तो देखिए इस तरह से हमें एक एक करके इसको ओके करना है। अब देखिए ये हमारा काम हो गया कंप्लीट। अब हम इसको मिनिमाइज करते हैं फोटोशॉप को, और फाइनल में जाते हैं, फाइनल इमेज में। फाइनल इमेज में जाने के बाद देखो यहां पर जाएंगे, इसको मैं इधर रख लेता हूं, ठीक है। और इसके बाद में देखिए दूसरा जो सोर्स इमेज है उसको मैं इधर रख लेता हूं, देखिए बात समझे। अब आपको देखो यहां साफ साफ दिख रहा होगा इसमें और इसमें कलर करेक्शन का फर्क। देखो सभी में कलर करेक्शन हो गया इधर देखो, और सभी के अंदर बॉर्डर पड़ गया, यानी एक साथ सबके अंदर बॉर्डर आ गया और कलर करेक्शन भी हो गया। जो हमने एक्शन बनाया था वो बैच फाइल से एक साथ बहुत सारे फोटोज पर अप्लाई कर सकते हैं। अब मैं आपको बताता हूं क्रिएट ड्रॉपलेट क्या है। तो देखिए क्रिएट ड्रॉपलेट ये होता है कि हम किसी पर्टिकुलर फोटो के ऊपर अप्लाई करना चाहते हैं। तो चलिए अब हम फिर से फोटोशॉप में चलते हैं, और देखिए फोटोशॉप में जाने के बाद अब देखिए यहां पर फाइल में ऑटोमेट में अब अगला ऑप्शन देखो मैं बताना चाहता हूं आपको, वो है क्रिएट ड्रॉपलेट। बैच फाइल हो गया और एक्शन से रिलेटेड दूसरा ऑप्शन है क्रिएट ड्रॉपलेट। अगर आप क्रिएट ड्रॉपलेट करते हैं तो देखो ये पूछता है कि आपको अपनी ड्रॉपलेट कहां सेव करनी है। तो हम ड्रॉपलेट को बता देते हैं ड्रॉपलेट कहां सेव करनी है। तो मैं सोर्स इमेजेस में सेव कर रहा हूं, और देखो यहां पर आप बता सकते हैं कलर करेक्शन ऐसे सीसी नाम से मैंने सेव कर दी सेव, और डेस्टिनेशन में फोल्डर, और हमें बताना है कि फोल्डर हमें कहां सेव करना है। तो फोल्डर पे हमने यहां पर फाइनल इमेजेस को हमने यहां पर सेलेक्ट फोल्डर कर दिया। अब देखिए इसके बाद हम ओके करते हैं। ओके करने के बाद देखो यहां पर कोई एक्शन नहीं होगा, जो ड्रॉपलेट है वो उस फोल्डर में जाकर सेव हो गई। हम इसे यहां से मिनिमाइज करते हैं, तो देखिए यहां पर ये ड्रॉपलेट सेव हो गई। अब देखिए हमें किसी पर्टिकुलर फोटो पर, अगर हमें किसी पर्टिकुलर फोटो पर ये एक्शन अप्लाई करना है कलर करेक्शन वाला, तो हम इस ड्रॉपलेट का यूज करते हैं। जैसे हम इसके ऊपर अप्लाई करना है तो ड्रैग करके हम यहां पर ऐसे इसके ऊपर डालेंगे। जैसे ड्रैग करके डालेंगे तो ये पूरा एक्शन होगा और प्ले हो जाएगा, लेकिन ये मेरे फोटोशॉप में नहीं चल रहा है। मैंने जब से 2022 फोटोशॉप डाला है, तो पहले जो मैं 2019 का फोटोशॉप चला रहा था उसमें बहुत अच्छे तरीके से काम कर रहा था। आपका हो सकता है आपके फोटोशॉप में काम करे, लेकिन मेरे में काम नहीं कर रहा है। लेकिन इसका मैं आपको जो तरीका है वो मैंने बता दिया, और क्या काम करता है वो भी बता दिया। तो पर्टिकुलर किसी फोटो पर अगर आप कलर करेक्शन अप्लाई करना चाहते हैं, या किसी भी फोटो पर अप्लाई करना चाहते हैं, या अलग अलग फोटोज पर अप्लाई करना चाहते हैं, तो आप सिर्फ ड्रैग करके इसके ऊपर डालेंगे तो ये जो है पूरा एक्शन प्ले होगा और यहां पर इधर सेव हो जाएगा। ये इसका काम है ड्रॉपलेट का, ठीक है। तो ये समझ आ गया होगा, आप अपने फोटोशॉप में करके देखें जरूर, आपको अच्छी तरह से समझ आ जाएगा, और हो सकता है आपके फोटोशॉप में चल भी जाए। तो आज ये बैच और ड्रॉपलेट का ट्यूटोरियल यहीं तक हम रहने देते हैं, और अगले ट्यूटोरियल में हम मिलेंगे ऑटोमेट के दूसरे ऑप्शंस के साथ। तो गाइज इस ट्यूटोरियल में बस इतना ही। कैसा लगा आपको ट्यूटोरियल? अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें, और अगर गाइज कुछ कहना है तो कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएं। गाइज अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब करें, और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे कि आपको हमारे नोटिफिकेशन मिलते रहें। तो गाइज मिलते हैं नेक्स्ट ट्यूटोरियल में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय।